साहब की छत्र छाया के नीचे। कौन सी न्यूज़ है? शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने कि देश की रक्षा के लिए इस पुंछ को अपनी जान देकर सुरक्षित बनाया और आज ये हिंदुस्तान आज़ाद भारत का एक अनटूट अंग है। ये जो आप देख रहे हैं कि जिन शहीदों के लिए आज यहां पर हम आए हैं, इन्होंने अपनी जानें निछावर की और हिंदुस्तान की पूरी आर्मी का सिर ऊंचा किया। बड़े गौरव से हम आज उनको याद करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, ये जिन्होंने अपनी जानें देकर यहाँ के बसने वाले लोगों की बहू बेटियों को सुरक्षित किया। क्योंकि पाकिस्तान के कबायली जो यहाँ पर पहुँच चुके थे और उन्होंने यहाँ से बहुत फायरिंग करके बड़ा नुकसान किया और यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फोर एट और नाइन जैक राइफल जो सबसे पहले यहाँ पर शहीद हुए हैं, उन्होंने यहाँ आकर उनसे डटकर मुकाबला किया और उन कबालियों को यहाँ से खदेड़ कर जो अभी हमारी एलओसी है उसके पार किया और अपनी जो जाने हैं वो निछावर की। मैं अपने सब पेंचर की तरफ से पुंछवासियों की तरफ से उनको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय जो है वो कहाँ लड़ती रही, बाद में उन्होंने क्या किया, इस पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल करने के लिए उन्होंने दो पलटने यहाँ पुंछ की रेज की, जो कि 8 और 11 मलेशिया कहते हैं जंगी फौज को, वो उन्होंने रेज की। वो पलटनों ने बहुत नाम कमाया और वो पलटने हमारी दोनों यहाँ लड़ते लड़ते एडवांस करती रही। अब जो सीज़फ़ायर लाइन है यहाँ तक जहाँ एलओसी है,
यहाँ तक उन्होंने एडवांस किया, बाद में सीज़ फायर हो गया और ये तब से हमारी फौजें वहाँ डटी हुई हैं। सबसे बड़ी कुर्बानी जो है इन चार पलटनों की है। ये चारों पलटनों ने ये मेमोरियल जो है मेरे सामने बनी है 13 अप्रैल 1977 को ये जगह जो है यहाँ के निवासियों ने दी है और उन निवासियों ने ये जो दो कनाल जगह दी है यहाँ, फिर ये इन्होंने मेमोरियल बनाई। मेमोरियल बनाने वाली जो यूनिट है फर्स्ट जैक राइफल ने ये उद्घाटन किया। उस उद्घाटन में मैं यहाँ इसमें आया हूँ खुद। उस वक्त में मैं CHM था इस पुंछ 237 वर्कशॉप का। उसके बाद फिर ये दिन मनाते आए हैं, लेकिन ऐसा है कि अभी ये इसी तरह इसका फैसला हो गया है, जब भी ये दिन मनाया, जब लिंक अप डे मनाया जाएगा पुंछ, उस वक़्त ये भी दिन मनाया जाएगा और इस जगह को दोबारा रीसेटल करने के लिए ये नागा यूनिट ने काफ़ी कुर्बानी दी है। और उसके बाद जो है ये अभी 5 राजपूत जिस जगह हम जिस गुलस्तान में हम खड़े हैं ये बागवान में, इस बागवान का जो माली है उसकी ये बहुत कंट्रीब्यूशन है, ये जो आप देख रहे हैं बाग को हरा भरा। तो हम आगे से उम्मीद रखते हैं कि ये दिन इसी तरह मनाते रहें और हम सब की तरफ से पुरुषोत्तम लाल मैं सबसे पहले इन शहीदों को 1st, 4th, and 8th, 9th जो राजा की पलटने थी, ये चारों पलटने, उस वक्त इनका नाम था रघु प्रताप भानु प्रताप। ये पलटने पुंछ की रियासत की चारों तरफ जो बाउंड्री लाइन है उस पर ये तैनात थी। उस वक्त जब देश का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के साथ ये जो पुंछ के राजा साहब थे मोती सिंह जी उस वक्त थे यहाँ राज करते, ये पलटने उस आगे जो सरहद थी पुंछ की ये सब लड़ते रहे। लड़ते लड़ते इन्होंने कुर्बानी दी 1st, 4th, 8th, 9th 146 सोल्जर की ये शहादत है यहाँ, ये जो मेमोरियल है। तो उसके बाद ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी जो है वो आए उड़ी सेक्टर से यहाँ एडवांस करते हुए, रास्ते में छांजल ब्रिज था, एक छांजल ब्रिज को तोड़ दिया गया उनके एडवांस होने से पहले, तो वो वहाँ से कैसे भी गुजर करके यहाँ पहुँच, एक जीप के साथ यहाँ पहुँच में आए। तो उस वक़्त उनकी दो कंपनियाँ थी, उन्होंने कबाली जब यहाँ पहुँच गए जिस जगह पर हम खड़े हैं इस मकाम पर, यहाँ कबाली आ चुके थे और इस पहुँच में 80,000 जो है शरणार्थी जो पाकिस्तान से भाग के आए वो यहाँ जमा थे। तो उस वक़्त कबालियों का ये सबसे बड़ा था लूट मार करना। कबाली बोलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो इलाका था उसमें कबाली लोग बसते थे, कबालियों का ये काम था लूट मार करना। और वो सबसे बड़ी बात यह थी कि ये वो बहू बेटियाँ जो लड़की उनको पसंद आई उसको वो बाई हुक एंड क्रूक वो ले जाते थे। तो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह से जब यहाँ पहुँचे ये चारों पलटने लड़ती रही, इनके 146 आदमी शहीद हुए। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह से जब पूंछ आए तो पूंछ की चारों तरफ पैराफेरी में जो है कबाली जमा थे। तो उन्होंने आकर के यहाँ सबसे पहले स्कॉड